डू यू लव बर्ड्स? आइए इस वीडियो में बात करते हैं कि कैसे अर्बन गार्डन में बर्ड्स को अट्रैक्ट किया जाए। इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। मैं ट्विटर की बात नहीं कर रहा, बर्ड्स के ओरिजिनल ट्वीट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या आप जानना चाहेंगे कि बर्ड्स को कैसे गार्डन में अट्रैक्ट किया जा सकता है? चिड़ियों की मधुर आवाज को सभी पसंद करते हैं। उससे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को पुश करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। बर्ड्स को गार्डन में अट्रैक्ट करने के लिए आपके गार्डन में कई तरह की हाइट वाले और अच्छी छाया देने वाले पेड़ पौधे होना चाहिए, जैसे कुछ बड़े पेड़, श्रब्स या मध्यम आकार के पेड़ और कुछ छोटे पौधे। ऐसे पेड़ पौधे घर के गार्डन या आसपास होने से बर्ड्स को बारिश, ठंड और गर्मी के मौसम में सुरक्षा मिलती है। अगर आपके घर या आसपास बड़े पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, मध्यम आकार और छोटे पौधे हो तो बर्ड्स को अर्बन एरिया के घरों के गार्डन में अट्रैक्ट किया जा सकता है। इन चीज़ों के अलावा आपको कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेंगे। आप बर्ड्स के लिए बर्ड बाथ गार्डन के कुछ स्थानों पर रखिए। चिड़ियों के नहाने के लिए फाउंटेन और पीने के पानी के लिए कई तरह के कंटेनर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे टेराकोटा का कप, कंक्रीट से बना या प्लास्टिक का कोई शेलो बर्तन भी अच्छा होता है। इन बर्ड्स बाथ और पीने के पानी को गार्डन में कुछ स्थानों में रखा जा सकता है। इनको रखने के लिए कुछ जगह चुनें जहां पर बर्ड्स आसानी से पानी को देख सकें, जैसे किसी पौधे और पेड़ के आसपास, किसी छाया वाली जगह पर। आपको इन बर्ड बाथ और पीने के पानी की सफाई पर भी ध्यान देना होगा। समय समय पर इनकी सफाई भी जरूरी है। मात्र पानी के अरेंजमेंट से जल्दी ही आपके गार्डन में चिड़ियाएं आना शुरू हो जाएंगी। बर्ड्स आपके गार्डन में ज़्यादा देर तक रुके, इसके लिए आपको कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेंगे। बर्ड्स या चिड़िया किसी भी गार्डन की ज्वेल्स होती हैं। इनकी आवाज़ तो मधुर होती ही है, इसके अलावा ये पौधों को नुकसान पहुँचाने वाले कई कीड़ों को भी ख़त्म करती हैं। बर्ड्स को सीड्स और फूड देने के लिए सीड फीडर कुछ जगह पर रखना पड़ेंगे। इन सीड फीडर को ऐसी जगह पर रखें जहां पर चींटियां और चूहे ना पहुंच पाए। सीड फीडर में बारीक दानों वाले सीड डालिए। इसके अलावा आपको बर्ड्स के घोंसला बनाने के लिए जगह बनानी होगी। आप चाहें तो बांस के बने हुए छोटे घर और खुले और हवादार पिंजरों को कुछ जगह पर रख सकते हैं, या पुराने कर्टन बांस का भी इस्तेमाल घोंसले या बर्ड्स के लिए घर बनाने में किया जा सकता है। ऐसी जगह पर गौरैया बड़ी आसानी से घोंसला बनाती हैं। जब आप ऐसा अरेंजमेंट करेंगे तो कुछ ही दिनों में तरह तरह की बर्ड्स आपके घर के गार्डन में आने लगेंगी और आपका गार्डन भी चिड़ियों की मधुर आवाज़ से गूंजने लगेगा। आशा करता हूँ अब ये वीडियो देखने के बाद आप अपने गार्डन में ये सभी अरेंजमेंट करेंगे और जल्दी ही आपके गार्डन में चिड़ियों की चहल पहल होने लगेगी। बर्ड्स को अर्बन एरिया के गार्डन में अट्रैक्ट करने के लिए आप ये टिप्स और टेक्निक को अपनाइए, जल्दी ही आपके गार्डन में बर्ड्स का शोर गूंजने लगेगा। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपने गार्डन में बर्ड्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करते हैं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगी और आप इस इन्फॉर्मेशन को अन्य गार्डनिंग करने वालों से शेयर भी करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा किसी और नए वीडियो में, तब तक आप अपने घर में गार्डनिंग का आनंद लेते रहिए।